नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर ही हूं, जहां हम अपने रूट स्टॉक्स MM111 के प्लांट्स जो आपको ये दिख रहे हैं, तो इनमें हम वर्मिंग कंपोस्ट डाल रहे हैं, जो कि एक नेचुरल तौर पर बनी हुई होती है। उसको बनाने का प्रोसेस अगर आपने जानना है तो कमेंट में राय अपनी दें और मुझे बताएं कि हाँ, हम उसका प्रोसेस जो रहता है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आज वर्मिंग कंपोस्ट हम डाल रहे हैं, इसमें पिछली वीडियो खाद से रिलेटेड थी, जिसमें कि एक मेरा जो सब्सक्राइबर भाई है तो उसका कमेंट था कि भाई खाद कौन सी डालें, तो मैंने उसके बारे में पूरी वीडियो बना दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो ही है, पिछले कल ही डाली हुई है। तो अभी मैं अपने खेत पर हूँ, इधर हम वर्मिंग कंपोस्ट डाल रहे हैं अपने पौधों के लिए। मैं खाद वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा और जितनी क्वांटिटी रहेगी वो सारी जानकारी मैं वीडियो में आने वाली मैं दूंगा। अभी हम फिलहाल जो अपना यो एरिया है, देखिए पूरा यो एरिया दिख रहा है इधर उधर, तो इसको हम पहले कवर करेंगे। जब यो एरिया कवर हो जाएगा तो उसके पश्चात में अपनी क्वांटिटी भी बताऊंगा कि मैं एक पौधे को कितनी यह डाल रहा हूं। तो जब मैं इधर आया था अपने खेत को करीब 2 बजे, तो उसके बाद मैंने इधर वर्मिंग कंपोस्ट डालना शुरू कर दिया अपने किल्टे के साथ। जैसे ये किल्टा है मेरा, इधर देखिए, इसके साथ मैंने इधर डाल दिया। तो अभी आधा खेत मैंने कम से कम करीब पूरा कर दिया है वर्मिंग कंपोस्ट डालकर, और आधा मुझे इसके पश्चात करना बाकी है। तो मैं कैमरा टर्न करके आपको सारी जानकारी देता हूँ। जब 2 बजे मैं खेत को आया था तब भी खेत कैसा था और अब खेत कैसा है, वर्मिंग कंपोस्ट डालने के बाद किस तरह से दिख रहा है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अपने ऑर्चर्ड पर ही हूँ, जहाँ हमने रूट स्टॉक MM111 की प्लांटेशन की हुई है। तो आप सामने ये पौधे देख रहे हैं रूट स्टॉक MM111 पर लगे हुए। तो आज हम इनमें जो फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, जो हम अपना फर्टिलाइजर डालते हैं इसमें, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि मैं खाद का यूज इसमें नहीं करता हूं। तो आइए ज्यादा बात ना करते, हम वीडियो को शुरू करते हैं कि मैं इसमें क्या चीजें डालूंगा। तो आप सामने ये देख रहे हैं अपना ऑर्चर्ड, तो इधर प्लांटेशन की हुई है अच्छी तरह से, जो आप देख भी सकते हैं। तो अब मैं इधर गोबर डालूंगा, जिसे काउडंग कहते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है बहुत अच्छी। तो इसको मैं इधर अपने पूरे खेत में डालूंगा इसके पश्चात। तो फिर आप वीडियो में बने रहिएगा और देखेंगे कि अभी कैसा दृश्य है हमारे खेत का, और उस वर्मिंग कंपोस्ट को डालने के पश्चात हमारा दृश्य कैसा होता है। अभी शाम हो गई है, तो आज के लिए हमने इतना ही इधर डाल दिया है यह वर्मिंग कंपोस्ट। तो अब हम कल इसका काम पूरा कर लेंगे। जैसे ही हम इसका काम पूरा कर लेंगे तो मेरे चैनल पर एक और वीडियो अपलोड होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं कितनी क्वांटिटी में एक पेड़ को इस कंपोस्ट को डालूंगा, और सारी जानकारी आपको उसमें ही दूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि मैं अपने जो ये रूटस्टॉक्स के प्लांट्स हैं, मैं इनमें कोई भी खाद का यूज नहीं करता हूँ। खाद का यूज अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी मिट्टी में जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ क्षमता होती है, उसको खत्म कर देती है। हाँ, यह है कि कुछ टाइम तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जब आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी तो आपको रिजल्ट बिल्कुल कम हो जाएंगे आपके रिजल्ट। तो ये देखिए, मेरा इधर साथ में अभी गोभी भी बची है, यह फूल गोभी है इधर, और उधर बंद गोभी है उस साइड। तो यह बात है किसान एवं बागवान भाइयों, अभी फिलहाल वीडियो जो है हमारी रूट स्टॉक MM111 की प्लांटेशन पर है, कैसे हम इसमें जो कंपोस्ट हमने तैयार की है उसको डालेंगे। तो यह बात है, तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इधर हमने ये एरिया कवर कर लिया है। देखिए, अब हमने कवर करना है ये वाला एरिया, देखिए आधा खेत कम से कम बाकी है। ये नीचे सरसों है, इधर तक तो हमने कवर कर लिया है अपने खेत को, अब हमने इधर से उधर कवर करना है अपने खेत को। ये जो पेड़ इस साइड है, इधर 250 पेड़ मैंने पूरे कर दिए हैं, मान लीजिए कर दिए का मतलब है कि उधर मैंने गोबर रख दिया है, और इधर जो गोबर ढेर में रखा है मैंने, इधर से ही मैं एक क्वांटिटी के हिसाब से अपने पेड़ों के चारों तरफ इस गोबर को रख दूंगा। अब निचली साइड जो है पौधे, ये 150 के करीब बचे, 150 पौधे इस एरिया में है इधर से लेकर उधर तक।
तो इसमें मैं कल सुबह ही जो बर्मिंग कंपोस्ट है अपनी तैयार की हुई है, बची है बहुत सारी, तो उसको मैं इधर डालूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कहीं ना कहीं बर्मिंग कंपोस्ट के बारे में जानना, तो नीचे वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स रहते हैं उधर अपना ये बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अभी किसान एवं बागवान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि हम खाद का प्रयोग ना करें, खाद की जगह हम ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग करें, जिससे हमारी लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी और जिससे हमारी उत्पादन क्षमता भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो आशा करता हूँ किसान एवं बागवान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारी आने वाली वीडियो के लिए, साथ में बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।